तो कैसे हो आप सब। बात करते हैं आज की वीडियो में, हम बात करेंगे एयरफोर्स रीमेडिकल के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था इसके ऊपर, ठीक है, तो उसमें कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीमेडिकल से बेस पे वो भी देख लेना, और कोई आपका डाउट होगा तो कमेंट करके भी ज़रूर पूछ लेना मेरे से। तो अभी ये जो क्वेश्चन पूछे गए इनके मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर आपका इसमें होगा तो आपकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। तो ये उस वीडियो में कमेंट में पूछा गया था मेरे से कि क्या बोलते भाई, इन्हें रामलाल चौधरी है, कार्डियक मर्मर का पॉइंट दिया है इन्हें, मतलब इनका मेडिकल था। ठीक है, फिर इन्होंने जयपुर से अपने आसपास के हॉस्पिटल से जांच करवाई इको की, जो कि कार्डियक मर्मर के लिए होता है। ठीक है, ये टेस्ट तो उसमें सब नॉर्मल आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इसका पॉइंट टूट जाएगा या नहीं, ये तो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, देखो अगर आपका इको में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है तो फिर तो भाई टूटने के चांस डेफिनेटली 100% कह सकते हैं। बट इसका मैं बता दूँ, कार्डियक मर्मर, पहले जिन्हें पता नहीं है, कार्डियक मर्मर एक दिल से रिलेटेड दिक्कत है। ठीक है, इसमें आपकी जो हार्ट बीट है वो औरों के मुकाबले ज़्यादा धड़कती है। ठीक है, नॉर्मल बंदे से ज़्यादा हार्ट बीट इसमें धड़कती है, तो इस केस में क्या कर देते हैं, अनफिट कर देते हैं बंदे को। ठीक है, तो क्योंकि हार्ट बीट ज़्यादा धड़कती है, तो इसमें जो टेस्ट करते ही है, अगर आप बेस हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ सबसे पहले जो टेस्ट होगा, सबसे पहले ECG लिया जाएगा। अगर ECG आपका नॉर्मल आ जाता है पहली बारी में तो सब सही है, फिट कर देगा आपको। ठीक है, पर अगर ECG नॉर्मल नहीं आया है तब वो आपका वही ईको वाला टेस्ट लेंगे। ठीक है, ईको इसलिए लिया जाता है कि आपका दिल सेफ है, कि जो आपका हार्ट है वो सेफ है या नहीं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर आपका ईको वहाँ नॉर्मल आया, सब सही है, तो आपका पॉइंट क्या है, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा और आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो सारा डिपेंड इसी पे है, बेस हॉस्पिटल में क्या रिपोर्ट आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये DNS प्लस ईजी का पॉइंट, ECG का पॉइंट मिला है इन्हें, क्या ये है चौधरी जाट राम रिठालिया। तो DNS का पॉइंट पहले मैं आपको बता दूं, DNS में तो सिर्फ आपको सर्जरी है, नाक का ऑपरेशन करवाना है आपको भाई, उसी से आपका जो DNS है वो क्लियर होगा। ठीक है, और अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल या अच्छा रहा भाई तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, वैसे 99% क्लियर हो जाएगा DNS में, अगर आपने ऑपरेशन करवा दिया होगा तो। ठीक है, बाकी ECG की बात करें, ECG का जो है भाई, और ये कह रहे हैं ECG के लिए टिप्स भी चाहिए इन्हें। ठीक है, तो ECG का ऐसा नहीं है ECG का पॉइंट टूट जाएगा, बस दिक्कत क्या है, आप स्ट्रेस ले लेते हो जिसकी वजह से ECG का आपकी हार्ट बीट औरों के मुकाबले तेज़ हो जाती है। सिंपल सी बात है, ECG में आपको रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ECG होने से पहले बेस हॉस्पिटल में, जब भी आपका रीमेडिकल होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और जितना रिलैक्स रह सकते हो बॉडी को उतना रिलैक्स रखो, कुछ नहीं सोचना कहाँ पर है हम क्या है। ठीक है, बस अपना घर की तरह रहो, या ब्लैंक माइंड, जैसे आप सोते हो वैसी ब्लैंक रहो बस, बिल्कुल कि कुछ नहीं है, बस लेट जाऊँगा और आँख बंद करके लेट जाओ, बस कुछ नहीं सोचना आपको, तो बस यही है, जितना रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा आपका ECG हार्ट बीट आएगी। अगर ज़्यादा सोचोगे तो आपके क्या है, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस की वजह से जो हार्ट बीट है वो भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो नॉर्मल रहना है आपको, बिल्कुल फ्री माइंडेड, तो इसका यही टिप्स है। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट, इनका है भाई संदेश कुमार का, टिम्फेनोसिलरोसिस का पॉइंट क्लियर होगा क्या। टिम्फेनोसिलरोसिस पहले मैं आपको बता दूं क्या है, ये कान से रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ईयर ड्रम में जब आपका एक सफ़ेद दाग बन जाता है कभी कभार, अब वो बनता कैसे है, तब ये बीमारी क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे आपकी कभी कोई इन्फेक्शन हो गया होगा ईयर में, ठीक है, और आपने क्या नज़रअंदाज कर दिया होगा, या सही से उस समय ढंग से सही नहीं हुआ होगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, तो जिसकी वजह से ये क्या है, ईयर ड्रम में सफ़ेद दाग बन गया कोई, तो उस चीज़ को ये टिम्फेनोसिलरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं दिक्कत है। ठीक है, ये अगर बाई चांस सही होगा, दवाई से तो सही नहीं होता है जनरली, होगा तो सर्जरी से होगा, और बाकी डिपेंड है टेढ़ा पॉइंट है, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ इसे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इसका, इसमें भाई स्वीटी पाम का कुछ सॉल्यूशन है क्या। स्वीटी पाम का भाई सॉल्यूशन बहुत बंदों को होता है जिसका है, देख लो, स्वीटी पाम का ऐसा है, जब भी आपका रीमेडिकल होगा, ठीक है, अभी टाइम है, अभी से कर लो, एक दो हफ्ते पहले जब भी आपका जितना भी टाइम है, फिटकरी होती है, फिटकरी से हैंड वॉश करो जितना हो सके। ठीक है, दिन में 2-3 बार, उसमें कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिस दिन आपका मेडिकल होगा, नहा धोने के बाद पूरे दिन हाथ नहीं धोना है, अपना कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना होता है CaCO3, उसे अपने हाथ में लगाना है। ठीक है, इस तरह से लगाना है कि किसी को पता ना चले, कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ठीक है, उससे आपका क्या होता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके हाथ में पसीना नहीं आएगा कैल्शियम कार्बोनेट से, चूने से, तो बस ये है, इससे आप धूल झोंक सकते हो और बच जाओगे इजीली अगर ऐसा है। ठीक है, तो बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर पूछना, अभी मेरे पे इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है,
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी शेयर करो जिससे और सबकी मदद हो सके। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और